आज हम इसमें देखेंगे कि मैंने मैथ के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किए हैं। तो मैं यहाँ पे अपने पूरे मैथ के क्वेश्चन कैसे मैंने अटेम्प्ट किए हैं, यहाँ पे देखिए। सबसे पहले मैंने सिंप्लीफिकेशन बनाया है, इस क्वेश्चन में आपको 99.5 को आपको 19/200 लेना है, तो ये क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा सर। इसमें बॉर्ड मास का ख्याल रखेंगे, ऑफ का यूज या का यूज पहले होगा। मैंने 10 सिंप्लीफिकेशन थे, से मैंने कैसे अटेम्प्ट कितनी जल्दी अटेम्प्ट किया है जरूर देखें। अभी 1 मिनट में मैंने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट ले लिया है। ये क्वेश्चन में मुझे थोड़ा टाइम लगा था, मैंने इसे बाद में फिर अटेम्प्ट लिया था। मैंने इसे सोचा पहले शॉर्टकट से बनाओ, फिर लास्ट में मुझे बेसिक से ही इसे बनाना पड़ा। ये क्वेश्चन मैंने अभी स्किप कर दिया था, लगभग 30 सेकेंड के आसपास हो गए इस क्वेश्चन पे, फिर भी नहीं अटेम्प्ट ले पाया मैं इसे। मुझे लग रहा था कि यही ऑप्शन होगा, पर एग्जैक्ट आंसर आ नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने इसे स्किप कर दिया। 1 मिनट के आसपास मैंने इस क्वेश्चन पे, सिर्फ इस क्वेश्चन पे दिए, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन था। अब इसे फिर से लगाऊं या फिर मैंने इसे स्किप कर दिया। ये क्वेश्चन बहुत आसान था, √144 का 12 लेंगे, फिर प्लस इसके अंदर अब इसमें 45 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, या फिर आपको किसी भी नंबर का 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालने का ट्रिक पता होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। मुझे 45 का स्क्वायर पता था, 20 25 होता है, और 21 का 441। फिर मैंने सब दोनों को ऐड करके इधर जल्दी से जल्दी इधर करके स्क्वायर रूट निकाल दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, थोड़ा कैलकुलेटिव था लेकिन बनने लायक था। लगभग 38 सेकेंड मैंने इस क्वेश्चन पर दे दिए हैं। एक मिनट के आसपास हो गया, टोटल 4 मिनट में मैंने अभी तक 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट लिए थे। ये फिर बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको तो बिना कॉपी पेन के भी आप बना सकते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन है, 220 का 20% डायरेक्ट आप 1/5 से इसे डिवाइड कर दें, या फिर 22 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 44 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 320 + 32 352, और 352 में 44 जोड़ के फिर इधर से आपको 10 से मल्टीप्लाई करना था, आंसर आ जाता 3960 इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन देखे, इसमें सब डिग्री में दिया होता। हाँ, मैंने इसे स्किप कर दिया डीआई को, अब मैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा, इसे सॉल्व करते हैं आप। ये आता
इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने पे देखिए क्या आता है। 6 मिनट 5 मिनट के लगभग हो गए हैं और मैंने अटेम्प्ट लिए हैं 10 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का तो डायरेक्ट ट्रिक से आप निकाल सकते थे एक्स ग्रेटर देन वाई होगा इसका आंसर, फिर भी मैंने निकाल के एक बार रीचेक कर लिया था खुद को, इसीलिए मुझे इसमें टाइम लग गया। ये तो बहुत इजी था ट्रिक से ही, अगर लास्ट के दोनों में माइनस हो तो इसका नो रिलेशन आंसर होता है। इसमें आपको सॉल्व करना होगा 2 और 1 एक्स का वैल्यू होगा और वाई का वैल्यू 5 और 3। अभी मैं मिसलेनियस क्वेश्चन को छोड़कर नंबर सीरीज बनाऊंगा। 9 का क्यूब 11 का क्यूब, ये 2497 किसी का क्यूब नहीं है, फिर उसके बाद 15 का क्यूब और उसके बाद 17 का क्यूब है, तो 2497 गलत होगा। 7 मिनट में मैंने 14 क्वेश्चन बनाए हैं लगभग। सेकंड के आसपास हो गया, पर अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मिला पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए 16 8 4 2 का डिफरेंस, फिर 1 का डिफरेंस होना चाहिए था 6 के बाद, तो गलत है। मैंने इस क्वेश्चन पे बेवजह ज़्यादा टाइम दे दिया। आठ क्वेश्चन और मेरे अटेम्प्ट शायद 16 है। 8 मिनट में 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट लिए हैं मैंने सिर्फ, पर बाद में मेरी स्पीड बढ़ जाएगी, अभी भी स्पीड ठीक ही चल रहा है मेरा। इसका देखिए 9 बढ़ रहा है, फिर 11 बढ़ रहा है, फिर 13, उसके बाद 15 बढ़ना चाहिए, तो लास्ट में 45 होना चाहिए था, यहाँ 46 है। ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हो पाया, मैंने इसे अटेम्प्ट तो लिया था लास्ट में, पर ये गलत हो गया था मेरे से। अभी मैंने ट्राई कर रहा हूँ इसे, लेकिन ये मेरे से अभी सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो लास्ट में मैं फिर से एक बार ट्राई करूँगा। मैंने 20 इसका आंसर क्लिक कर दिया था जो कि गलत है, इसका आंसर 35 होगा। ये वाला आसान था, इसमें पहले आपको आधा करके आधा जोड़ना था, फिर 4 गुने 1 प्लस 1 यहाँ 5 होता,
फिर ये मिसलिनियस बहुत ही आसान है, ट्रेन वाला क्वेश्चन है। अभी मेरे 11 मिनट 10 मिनट के लगभग बीत गए हैं, 10 मिनट में मैंने सिर्फ 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था। अब हम लोग DI बनाएंगे, मिसलिनियस में लास्ट में बनाता हूँ, या मिसलिनियस लास्ट में बनाना भी चाहिए आप लोगों को भी। जैसा कि आप देख रहे हैं 11 मिनट में 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट है मेरे। DI बहुत ही आसान होता है RBI असिस्टेंट का, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सात मिनट सिर्फ बचे हुए हैं, मुझे बनाने कितने क्वेश्चन हैं, 15 के अप्रॉक्स। चालीस सेकंड में वो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया मैंने। ये तो और भी आसान क्वेश्चन था। छः मिनट में मुझे 13 क्वेश्चन और बनाने हैं, मैंने 22 क्वेश्चन बना लिया है 14 मिनट में। मैं लास्ट में आपको इस टेस्ट के अपने ओवरऑल मार्क्स भी दिखाऊंगा, जिसमें मुझे इंग्लिश और रीजनिंग में कितने हैं वो भी आप देख सकते हैं। मिसलेनियस का ये क्वेश्चन इजीली बन जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 पेन और 6 पेंसिल और 1 पेंसिल की औसत कीमत 5 रुपया है, तो पेंसिल की टोटल कीमत 30, तो 7 पेन की कीमत 70 और तो 1 पेन की कीमत 10 रुपये होंगे। ये भी बहुत आसान है। यहाँ पे आपको 21 को डिवाइड देना होगा, तो 800 रुपये आंसर होगा। ये इसे मैंने स्किप कर दिया। अभी पैसा इजी मिसलिनियस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, जितने भी इजी मिसलिनियस हैं। छब्बीस क्वेश्चन के लगभग मेरे बन चुके हैं। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बन ही जाएगा इजीली।
ये तो और भी बहुत इजी क्वेश्चन था। चार मिनट और बचा हुआ है, देखिए 4 मिनट में मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट ले पाऊंगा क्या? पी 4 दिन में 12 काम करता है, क्यू 5 दिन में 20 काम, और आर 4 दिन में 2 काम करता है। तब सबको रेशियो में निकाल के फिर उसके बाद आपको आंसर निकालना होगा। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था इसका। आप 60 LCM ले लें तो 4 5 8, 4 3 4 2 6, 60/6 इक्वल टू 10 इसका आंसर है। मैंने जिसको सिंप्लीफिकेशन को पहले छोड़ा था मैं उसे सॉल्व कर लेता हूँ। 3 मिनट टाइम है, मुझे बनाने हैं 5 क्वेश्चन। मैंने इसे फिर से ट्राई किया पर ये मेरे से नहीं हो पाया। मैंने इसे 20 मार दिया था जो कि गलत आंसर है। अब मेरा आंसर रिजल्ट पब्लिश होगा, देखिएगा। मैथ में मेरे 32.75 हैं, एक गलत हुआ है 34 अटेम्प्ट में। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट करके।